हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। माय नेम इज समीर खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं हूँ चौक में, जुने मोंडे में, और नांदेड़ का सब में पुराना टॉकीज है मेरे पीछे, हबीब टॉकीज। और मैं यहाँ पर किसी का वेट कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे यहाँ पर आके काफ़ी टाइम हो चुका है, बट अभी टाइम हुआ 2:54। तो यहाँ पर 3 बज गए ऑलमोस्ट, और मैं यहीं पर हूँ। अभी जाएंगे, देखेंगे। अभी चिश्ती गए उधर, उनके कोई रिलेटिव है उनको मिलने, और मैं ऑफिस में मीटिंग कर रहा था। अभी मेरी मीटिंग हो गई ख़त्म, और कल का ब्लॉग वैसे ही चलेगा, क्योंकि मुझे ना ट्राईपॉड का कुछ मिला, ना मेरे फ़ोन का कुछ मिला। बट आज के ब्लॉग में हम नांदेड़ का 100% विज़िट कराएंगे। अभी फेमस इलाके में हूँ मैं, नांदेड़ के चौक में, जुने मोंडे में। अभी यहाँ से स्टेप बाय स्टेप घूमेंगे हम, ठीक है। मिलाद आ रहा, सबको पता है मिलाद में क्या होता है क्या नहीं, तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। अभी झंडे और कपड़े पटाने के लिए इंशाल्लाह वो शॉपिंग कर रहे हैं, देखेंगे बाद में। 825 का डाल दे रिश्ती, जल्दी डाल। तो अभी हम अभी बज रहे कुछ तकरीबन 3-3:30 के दरमियान हो रहा टाइम, ठीक है। तो अभी हम निकले शॉपिंग के लिए, पहले सब में पहले लेंगे झंडे, फिर बाद में देखेंगे पटाखे, फिर बाद में। अभी फ़िलहाल हमने एक ड्रेस ले लिया, अभी और 2 ड्रेस लेने हैं बट मिल नहीं रहा, ठीक है। तो स्टिल सर्चिंग चल रहा है, अभी बाद में देखेंगे क्या होता क्या नहीं। फिलहाल में और झंडे ले रहे, और झंडे लेके पता फरारे लेंगे, और बाद में देखेंगे कहाँ जाना है क्या नहीं। सामने यहाँ पर झंडे देखेंगे, बड़ा था बड़ा झंडा कितने में है, यहाँ से इंशाल्लाह उठा लेंगे झंडे और पटाखे, दो भी चीज़ों। क्या बात है, माशाल्लाह मिलाद, ये भी अच्छे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह इधर भी है। तो लगाता हूँ फोन, लगाता हूँ, लगा दो। नहीं ले रहा ना हूँ, लेने का चलेगा ना हूँ। तो ये सीन जैसा है, हम पता क्या और झंडे ले, 7 नंबर का झंडा होना है। ये झंडे हैं सारे, ये बड़े चीज। चलो, सो फाइनली हम यहाँ से निकल गए चौक में से, और ये नांदेड़ का मेन सब में बड़ा मार्केट यहीं पर है, ठीक है, हबीब टॉकीज के सामने का चौक। तो हम अभी जा रहे हैं वजीराबाद राइट साइड मार्केट, ये भी कपड़ों का बहुत बड़ा मार्केट है, और पीछे चौक है, वहाँ पर लेडीज़ के सारे चीज़ें अवेलेबल हो जाती। एंड अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो भी एक शॉपिंग मार्केट ही है सबसे बड़ा, यहाँ पे कुछ तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है नांदेड़ में। इसके पहले वीडियो में बोला था मैंने कि नांदेड़ का ट्रैफिक टू मच है, नांदेड़ के ट्रैफिक की वजह से हम अभी फिलहाल तो निकले। अभी फिलहाल ट्रैफिक नांदेड़ के ट्रैफिक में ऐसे, और जो सामने जो आपको लग रहा वो मेन जूना मुंडा है नांदेड़ का, और एक फेमस इलाका, फिर वहाँ से वजीराबाद। और अगेन मैं बोलूँगा, अगर आपने मेरा पूरा पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पर ऊपर पॉपअप दे दूँगा, उसका लिंक दे दूँगा, लिंक शेयर कर दूँगा, जाके देख लो इसके बाद, ये वीडियो के बाद, ठीक है। ओ भाई, ये जूना मुंडा है, यहाँ से क्रॉस करके हम वजीराबाद और उधर श्रीनगर भाग्यनगर साइड जाएंगे।
ट्रैफिक, बहुत सारी ट्रैफिक। और ये लेफ्ट साइड जो रास्ता आ रहा है ये हमारी घड़ियाल, घड़ियाल वो वाली घड़ियाल नहीं, टाइगर का ये पुतला। और नवरात्रि के क्या बोलते तो ये चालू है, आशिकों के नवरात्र नहीं चालू है फिलहाल में। कॉल। सो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था, हम पहुंच चुके वहाँ। ये कपड़ों का मार्केट है नांदेड़ का, और वज़ीराबाद बोलते वैसे तो नाम उसका वज़ीराबाद है। और ये पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये मार्केट ही है। अभी तक मैंने आगे का स्किप कर दिया क्योंकि उतना बहुत लंबा है वो, 10 से 15 मिनट लगते आने के लिए, तो मैंने बीच का स्किप कर दिया। अभी फ़िलहाल जो ये दिखा रहा हूँ मैं यही मार्केट है, और ये लेफ्ट साइड में आगे ये कपड़े के, ये लेफ्ट साइड में पूरा लेडीज़ के कपड़ों के और पूरा कपड़ों का और सब चीज़ों का मार्केट यही है यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक। और जो भी चीज़ है होना तो अवेलेबल हो जाती है। ये पूरा वज़ीराबाद का मार्केट है ये, और पता नहीं एप्पल का क्या है। और जैसे मैंने बोला था वज़ीराबाद नांदेड़ का ट्रैफिक हद कर दिया अपने वाला ट्रैफिक है, पैसे निकालना पड़ता थोड़ा। दोनों भी गड़बड़ कर रहे थे वैसे तो देखा जाए तो हमसे साथ घर पड़ा हमें ओ ये मार्केट का कुछ ऐसा नहीं है। ये अभी फिलहाल वहाँ से कपड़ों का मार्केट और मिक्स फ्रूट मार्केट दोनों स्टार्ट हो गया। अभी फ़िलहाल तो इतना रश रहता शाम के टाइम में क्योंकि अभी नवरात्रि, दसरा और ईदे मिला तीनों ये महीने में, और यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं रहती। बाइक तो दूर की बात है, अभी तो बाइक आ गई अंदर, यहाँ पर बाइक पैर से चल के आना पड़ेगा क्योंकि जगह ही नहीं रहती ना सब चीज़ों को, सब ऐसे पूरा से खचाखच भरा हुआ रहता है सारा, तो कहाँ से गाड़ी डालोगे। ठीक है अभी फ़िलहाल तो अभी और दसरा है, फिर बाद में मिला दे तो ये सब सारी चीज़ें एक साथ है ना, तो और ज़्यादा भीड़ हो गई, सारे कास्ट के सारे समाज के लोग आएंगे। ठीक है तो ये हम निकल गए अभी वज़ीराबाद के बाहर, किधर जाएंगे किधर इधर चलो ऊपर। ये तो हम ऊपर आ गए, वैसे हमें जाना था नीचे, उतना सिग्नल पे रुकना हमारे होता नहीं भाई साहब। ये मेन चौक, वापस से हम शिवाजी पुतला है ये नांदेड़ का फेमस। हेलो लो ना ले ले। और ये सामने रेलवे स्टेशन है, ये रजिस्ट्री ऑफिस है, ये राइट साइड में मेरा कोर्ट है, ये जिला सचिवालय नांदेड़, जिला परिषद मेरे लेफ्ट साइड में, और ये मॉल सम्मान प्रेस्टीज, और ये हॉस्पिटल है, 5-स्टार होटल से कम नहीं दिख रहा हूँ, अपेक्षा नहीं है उससे कुछ। सो हेलो एवरीवन वंस अगेन, तो अभी बहुत शाम हो गई और हम जाना था हमें वहाँ गए हम, और मैंने पूरा नांदेड़ का व्यू आपको मोटो ब्लॉगिंग करके बताया। नांदेड़ के जितने भी फेमस प्लेसेस है मैं आपको मोटो ब्लॉगिंग करते वहाँ से लेके गया। एंजॉय करो मोटो ब्लॉग को और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सबको, ठीक है। और जो आप नांदेड़ करोगे तो भाई पहले शेयर करो, ठीक है। तो और हम आ गए हमारे वापस
नाके पे। ये नानड़ का मुझे लगता है कि वही सबसे पॉपुलर इलाका है। जो नहीं जानने वाला नानड़ को ये इलाका जानता देगलू नाके, ठीक है। तो ये देगलू नाके में हम वापस आ गए और हम जा रहे हैं हमारे घर की तरफ। घर का बोले तो हमारा घर इधर नहीं है, आउट ऑफ टाउन। और वंस जैसे बोला उन्होंने कि ये नाका है, अभी यहाँ से निकले, अभी सिटी से बाहर जाने के लिए और हमें 20 मिनट अराउंड लगेंगे। तो अभी किसी जगह मैं रुक के बात करूँगा क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरी वॉइस भी ठीक से नहीं आ रही होगी। तो एक फ्लाईओवर है वहाँ पर आगे नाके पे का, तो फ्लाईओवर के ऊपर जाके मैं आपसे एक मिनट से बात करूँगा। शायद से वहाँ पर वॉइस भी कम आए क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक भी कम है और हम रुक के बात करेंगे तो और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी फेस टू फेस बात करने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम हाँ है आसना पे, ये आसना का पुल है। तो मैंने बोला था कि मैं वो ब्रिज पर रुकूंगा, वहाँ पर वो बात करेंगे हम। बट यहाँ का लुक और यहाँ का लुक है बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पर ब्लॉगिंग कर दो, ठीक है। अभी नानड़ का जितना भी मैंने ब्लॉग मोटो ब्लॉग शूट किया उतना एंजॉय करो। एक दिन आएंगे हम स्पेसिफिक फुल डिटेल में हम ब्लॉगिंग करेंगे हर एक चीज़ के लिए, जैसे नानड़ के शॉपिंग मॉल्स, डी मार्ट, नानड़ का पूरा लोकल मार्केट सारा एक्सप्लोर करेंगे हम फुल डिटेल में ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब अभी और लाइक कर दो ये वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी जब तक यू लोग